हे स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका स्किल्स ओके के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक क्वेश्चन एपी का। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेस है, इसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, उनमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि एपी क्या होता है। फिलहाल अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए एन इज इक्वल टू 3n+2। एक छोटा सा इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है। यू नो व्हाट, ये एक कंप्लीट एपी है। क्या बोला मैंने? ये कंप्लीट एपी है, एक समांतर श्रेणी है ये पूरी की पूरी। अब आप कहोगे सर इतनी छोटी सी एपी थोड़ी होती है, एपी में तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो ये उन सभी टर्म की एक समरी है, उन सभी टर्म का एक छोटा सा इक्वेशन है, जिसमें आप जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स पुट करते चले जाओगे आपके पास टर्म्स आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। आपके पास एक यहाँ इक्वेशन दी हुई है, आपसे कहा जाएगा फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म, आपसे कहा जा सकता है फाइंड द कंप्लीट एपी, आपसे कहा जा सकता है फाइंड द टेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म। देर आर सो मेनी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो इस इक्वेशन से बनाए जा सकते हैं। तो आज हम फिलहाल सिंपल सा करते हैं, इसमें हम सबसे पहले एपी बना के देखते हैं कि इससे एपी कैसे बनेगी। ठीक है, तो एपी के लिए तो कुछ सिंपल सा मेथड है। हमें टर्म्स चाहिए, कौन सा टर्म? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, है ना? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और ऐसे आप जितने मर्जी निकालते रहो, सो ऑन। ठीक है, देखो करना क्या है। जब यहाँ पे एन है तो यहाँ पे भी एन है, बाकी वेरिएबल तो सेम ही है ना। तो अगर मैं ए वन की निकालना चाहता हूँ, और तो कहने का मतलब यहाँ वन आएगा, तो अगर एन की जगह वन आया तो यहाँ भी वन आना चाहिए ना। तो इट मीन्स ए वन की वैल्यू कितनी होगी? 3 × 1+2, मतलब 3 × 1+2 इट इज 5। ए टू की वैल्यू कितनी होगी? 3 × 2+2 इट इज 8। ए थ्री की वैल्यू कितनी होगी? 3 × 3+2 कितना हो गया? 11। ए फोर की वैल्यू कितनी होगी? 3 × 4+2 इट इज इक्वल टू 14। ए फाइव की वैल्यू कितनी होगी? 3 × 5+2 कितना हो गया? 17। देख रहा है, जैसे जैसे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ बन गया आपकी एपी। आप यहाँ पर ठीक से देख लो, 5, 8, 11, 14, 17, और ये भी आगे बढ़ता रहेगा। आप माइनस करके देख लेना, दोनों के बीच का डिफरेंस है 3। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो है 3, इसके बीच का डिफरेंस भी 3, इसके बीच का डिफरेंस भी 3, इसके बीच का डिफरेंस भी 3। बन गई एपी। तो एक तो ये तरीका है एपी फाइंड आउट करो। अब इसके अलावा ज़रूरी नहीं है एपी, आपसे बोला जा सकता था भाई ये वाला टर्म निकालो, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवन्थ टर्म, जो मर्जी। एग्जांपल ले लेते हैं, ए 50 फाइंड आउट करो कितना होगा। तो भाई जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ 50 पुट कर दो, सिंपल। तो कितना हो जाएगा? 3 × 50+2 तो कितना हो गया? 150+2 इट इज़ 152। है ना इजी? तो आपसे चाहे पूरी एपी बनाने को बोले, चाहे टर्म पूछा जाए कि भाई ये वाला टर्म बताओ, तो बस एन की जगह वैल्यू पुट कर दो। और ऐसा ही नहीं है कि इक्वेशन सिर्फ ऐसा ही है, इक्वेशन कई तरीके से आ सकता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो इक्वेशन एपी नहीं भी होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर हो सके तो आप इसे सॉल्व करके देखिएगा। जब भी आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो सिर्फ वीडियो देख के मत छोड़िए, आप उसको असेसमेंट कीजिए, ट्राई कीजिए, एग्जाम कीजिए, टेस्ट कीजिए, तो ही आपको समझ आएगा कि एक्चुअली मैं करवा क्या रहा हूँ। तो चलिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस वन, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें आप ट्राई करके देखना कि एपी कैसे बनाई जाती है, और साथ ही साथ फाइंड आउट करना ए 60 मतलब 60th टर्म कैसे निकलता है। और वीडियो में नीचे कमेंट करके बताना कि क्या आंसर रहा, ताकि पता चले कि आप लोग इसको सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं पहले बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं कि एक एपी बने, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन टर्म्स आप आराम से निकाल सकते, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम था ना इजी? अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके डाउट पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट जो है वो क्लियर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल्स ओके।